लगता है आज ये बारिश बंद नहीं होगी। क्या बारिश है? अरूबा से रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। क्या चल रहा है? आपके दोस्त डॉक्टर काशीनाथ जी का ये कहना है कि उन्हें आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो उनके काबिल हो। इनकी क्या काबिलियत है? काबिलियत एक, संगीत में डॉक्टरेट किया है, वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। एक दो, अमेरिका में पश्चिम और भारतीय संगीत के विशेषज्ञ माने जाते हैं। दो तीन, आपके दोस्त हैं। इनकी काबिलियत में जो खास बात है वो है इनकी हमारी दोस्ती। बाकी तो प्रताप मेरा दोस्त है इसलिए कुछ भी कह सकता है। वैसे ही से मालूम है, और मैं फिर कह सकता हूं कि आज तक सचमुच मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मेरे लायक। अमेरिका में भी नहीं? जी नहीं। क्यों? शादी करना एक बात है लेकिन उसका कामयाब होना दूसरी। करेक्ट। मैं तो यही कहूंगा कि शादी भी एक तरह की दोस्ती है, एक ऐसी दोस्ती जिसमें दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें, और वही शादी कामयाब होगी। बाकी तो सब समझौता है। अभी ये करेक्ट किसने कहा? मैंने। लगता है आपकी शादी भी किसी बड़े पैमाने पर समझौता है। अम्मा क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हैं। देखिए 90% शादियां तो सिर्फ समझौता ही है, और मुझे तो किसी समझौते की जरूरत नहीं। हमारे दोस्त डॉक्टर काशीनाथ संगीत में तो माहिर हैं ही, बातचीत करने में भी बहुत उस्ताद हैं। चलो आज इसका फैसला कर ही डालते हैं। अच्छा ये बताओ काशीनाथ, अगर हम तुम्हें कोई ऐसी लड़की पेश कर दें जो तुम्हारे लायक हो तो क्या तुम उससे शादी कर लोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सब लोग गवाह हैं। अच्छा ये बताओ काशीनाथ, कैसी लड़की तुम्हारे लायक हो सकती है? ये मैं क्या कहूँ, ये तो ठीक है ये भी हमें बता देते हैं, तुम्हें संगीत का बेहद शौक है। हाँ है। इसलिए तुम्हारे लायक होने के लिए लड़की को संगीत का ज्ञान होना जरूरी है। संगीत का ज्ञान होना तो जरूरी है लेकिन इसके अलावा ये भी तो देखना है किस घर की है, शिक्षा क्या है, देखने में। फिर वही पुरानी बातों में आ गए। चलो संगीत के साथ साथ और सब गुण भी हैं उसमें, फिर तो करोगे शादी। भाई इसका जवाब तो इस तरह से सिर्फ एक जवाब, हाँ या ना। चलो हाँ कर लूंगा शादी। तो फिर तुम्हारी शादी जल्द हो जाएगी। वो कैसे कैसे कैसे? अरे पहले खाना वाना तो खिलवाओ, इस कमबख्त बारिश ने तंग कर रखा। हाँ 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 आइए आइए आइए। एक अच्छा गायक बनने के लिए सुरीली आवाज का होना जरूरी तो है ही, लेकिन अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोगों में यह आवाज दबी रहती है, उभर नहीं पाती, इसलिए कि इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम सबके गले और शरीर में वो सब नसें और नलियां हैं जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर में थी। इसलिए मैं कहता हूं कि सही रियाज और ट्रेनिंग से एक अच्छा गायक तैयार किया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि हर अच्छे गवैये की जीभ की नस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जीभ आम लोगों की जीभ से कुछ बड़ी हो जाती है, और ये जीभ कोई भगवान की दी हुई नहीं होती है, ट्रेनिंग और रियाज से बढ़ जाती है। मैंने कितने लड़के लड़कियों को अपने साइंटिफिक वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग से अच्छा गायक बनाया है, उनकी आवाज को ताल लाए और सुर में सजाया है। क्यों काशीनाथ, तुम तो जानते हो मैंने कितनी आवाजें ठीक की हैं। चलो यही सही, ज्यादा बहस की तो यही रात काटनी पड़ेगी। मैं प्रताप की बात मान लेता हूं, अगर प्रताप अपने साइंटिफिक वॉइस कल्चर से या कैसे भी किसी लड़की को संगीत के सुर, ज्ञान या दूसरे गुणों में चोटी तक पहुंचा दे तो उस लड़की से मैं शादी कर लूंगा। मंजूर। मैंने कहा था ना कि काशीनाथ की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है जिंदगी भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो कहता हूँ आज रात आप सब यहीं रुक जाइए। तो थैंक यू, मेरे घर जाना जरूरी है, गाड़ी को भी आज ही पकड़ना। चलिए हुजूर, अंधेरी स्टेशन तक हम आपको छोड़ देते हैं और वहाँ से आप टैक्सी ले लीजिएगा। ऐसी बारिश में टैक्सियों का कोई भरोसा नहीं। टैक्सियाँ मिले तो ना, इतनी रात गए बारिश में टैक्सियाँ भी नहीं मिलती। एक ही रास्ता, उधर नजदीक ही रेलवे स्टेशन है, चलो दौड़कर लोकल ट्रेन पकड़ लेते हैं। अब क्या, थोड़ी देर और रुक जाइए, बारिश क्या 24 घंटे थोड़ी गिरती रहेगी। लेकिन आखिरी गाड़ी तो 10 मिनटों में निकलने वाली है, उसके बाद तो लोकल ट्रेन भी बंद। चलो काशीनाथ आज लोकल ट्रेन का ही तजुर्बा कर लेते हैं, आज तक तो चढ़े नहीं। अच्छा भाई थैंक यू वेरी मच। अरे अरे पांडू जरा छाता तो लाना अंदर से। थैंक्स। वेल गुड नाइट। गुड नाइट। अरे यार ये तो थर्ड क्लास है। अब जो सामने डब्बा है चढ़ गए, फर्स्ट क्लास घूमते रहते तो गाड़ी ही छूट। चलो अंदर चलते, यहाँ और भीड़ हो। बाबा अंधे को दे बाबा, सूरदास है बाबा, बाबा
अंधे को दे बाबा कौले दातू पाले दातू ले पड़ा वाला सादा कौला दातू को चमकाने वाला दातू कौले दातू। अरे लो यार कोई लेता ही नहीं। अरे हाँ दातू कौले दातू। अरे वो कल वाला साला हरामिया जाया इज नहीं गाड़ी में दिखता इज नहीं साला पता नहीं अपने आप को क्या समझता है उसकी। तो साले से सब पैसे धरवा लूंगी। कमली के पैसे मारेगा तो साले के पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। कौले दातून बाबा अरे लेना भैया दातून लो ना ऐसे दातून बाबा अरे आप भी लो ना ऐसे ऐसे एक डंडी लेना 10-10 पैसे की। अच्छा चल 50 पैसे के 6 देती हूँ। क्या करेंगे डंडियों से? अरे दांत साफ करना मोती जैसे चमकेंगे तेरे दांत है ना। नहीं चाहिए दातून कौले दातून 10-10 पैसे ले लो ए सेठ। कजिने का नहीं लेना है? अरे रास्ता तो छोड़ रास्ता रोक के खड़ा है। और इधर बीड़ी क्यों पी रहा है मालूम नहीं? इधर बीड़ी पीने का मना है। हाँ साहब यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना मना है वो देखिए सामने लिखा हुआ है। थोड़ा तू लेना धंधा इज नहीं हुआ। देखिए मेरे पास छुट्टा नहीं। अरे 1 रुपए का चिल्लर मेरे पास है 50 पैसे के 6 ले ये ले। नहीं भी मेरे पास सिर्फ 10 के नोट। अरे 10 रुपए का नोट मैं तुड़ाती हूँ 1 रुपए का 12 ले ले। अरे लक्ष्मी कहाँ मर गई थी कल? चल आगे बढ़ क्या कान खाए जा रही है। अरे तू चुप करना तेरा क्या बिगाड़ा इस साला। देखिए मुझे भी नहीं। अरे ये काट दिया अब कौन लेगा? ये ले पीछे छोड़ ले। ए ठीक देनी है तो बहुत सारे भिखारी है इस गाड़ी में उन्हें दे। दातून बेचती हूँ और पैसे कमाती हूँ मुझे कोई ऐसा वैसा मत समझ लेना। हाँ बड़ा आया पैसे देने वाला। ये लीजिए 10 रुपए लाइए एक रुपए के दातून। अरे क्या करेंगे इन डंडियों का? फेंक देंगे। अरे मेरे सारे पैसे गिर गए। साले जो इस साले सेठ का पालेगा। ओ क्या हल्ला मचा रही है बेवकूफ जाहिल। क्यों तंग कर रहे हो लड़की को? और ये लाट साहब यहाँ कैसे चले आए? कब से नाक पर रुमाल दबाए खड़े हैं? मेरा 3 रुपया 80 पैसा खो गया। एक तो साला धंधा नहीं हुआ ऊपर से मेरा हाजा कौन पूरा करेगा साला तू? ए जबान संभाल के बात कर। प्रताप प्लीज आप रोइए मत मैं दे दूंगा आपके पैसे। 10 रुपए तो दे दिए हैं जितना लेना हो ले लीजिए। 1 रुपया दातून का और 3 रुपया 80 पैसा कुल मिला के हो गया 5। नहीं चाहिए तेरी डंडियां जितना लेना ले और जा उधर जाके बेच। कब से दिमाग चाट रही है? दातून कौले दातून 10-10 पैसे ले लो। लड़की बिल्कुल जंगली है लेकिन जब चिल्लाती है तो इसके गले की रेंज पे गौर किया। जैसा टिम्बर है वैसे उतार चढ़ाव इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। मुझे तो ऐसी कोई खास बात नहीं नजर। ऐसे हजारों फेरी वाले हमारे यहाँ मुझसे सीखे तो दिखा दूं इसके गले की मिठास फ्रीक्वेंसी रेंज मॉड्यूलेशन लचक में कितना दम। क्या कह रहा था तू? कुछ नहीं काम कर अपना। आप वो 10 रुपए रख लीजिए और अपनी सारी डंडियां दे दीजिए लाइक। बोलना क्या कह रहा था मेरे बारे में? तेरा गला अच्छा है अगर सुर और ताल में गाए तो। ये कौन सी बड़ी बात है? कमली जैसा गाती है वैसे झगड़ा भी खूब करती है। क्या क्या गालियां निकालती है। हाँ ये गाना वाना आपके लिए नहीं। तेरे सब डंडियां मिल गई ना? जी हाँ मिल गई धन्यवाद। तो फिर तू चुप कर चल चंपा। दातून बढ़िया वाला दातून। क्या मैं सचमुच अच्छा गाती हूँ सेठ? गाती तो हो लेकिन। लेकिन क्या? और पीना बस और नहीं। अरे पीने में काय की कंजूसी कर रहा है साला मैं पिला रहा हूँ। हाँ पीना यार पी। पोपट भाई बस और नहीं। अच्छा तो ठीक है माल लाया क्या? हाँ निकल निकल। ये लो 300 रुपए। अरे तेरे पे पूरा भरोसा है यार। ये साला मगन में है ना कहीं लफड़ा नहीं करते। कम होगी मेरी शादी? बस जरा सा कमली से बात कर लूँ उसके 2-4 जोड़ी कपड़े बना लूँ समझ ले तेरी शादी फिट। इसी महीने हो जाएगी? नहीं महीने के बीच में। अरे मगन सेठ अरे आओ ना यार। मगन सेठ गोली की शादी मेरी बेटी के साथ में फिक्स हो गई है। पहले के 4 आज के 2.5 6.5 ढीला करो। बेटे गोली इसको 6.5 दे के ढीला कर दो। मेरे पास कहाँ है? मैंने तो सब अबे अबे मुंह से बात आ रही है मुंह बंद कर। मगन सेठ एक काम करो
तुम मेरे हिसाब में लिख लो। ए, तुम दोनों इधर आओ। ये क्या गलत खाना है क्या? जब देखो फोगन में पीने के लिए चलाते हैं। अरे इस खातिरदारी का बहुत बहुत शुक्रिया मगन सेठ। बिल दिल्ली को भेज देना, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे को दे देगा। वो दोनों किधर है? चल भाई। चलो सब लोग मेरे को फेंक देते हैं यार। बोली जी। साला तेरे पास 6 रुपया देने को नहीं था और मेरी बेटी से शादी करने को चला है। समीर मैं तो आपको दे दिए। अरे वो रुपया अगर मैं खर्चा कर दिया और शादी में कमती हो गया तो? अब तू एक काम कर, तू जा मैं सब कर दूंगा। इसी महीने? नहीं बीच में, महीने के बीच में। अब मैं भी बनूंगा दूल्हा। बड़ी लंबी उम्र है मेरी बेटी। आज तेरे को एक दमड़ी भी नहीं मिलने वाली। अरे अगर तू मेरे से रुक जाएगी तो तेरे बाप का गुजारा कैसे चलेगा? तेरी सौतेली माँ मेरे को कुछ नहीं देने वाली। वो भी साली नहीं देगी और मैं भी। तू काम क्यों नहीं करता साला? अरे मेरा बच्चुआ, जब मेरी बिटिया है तो फिर मेरे को काम करने की क्या जरूरत है? ये ले 2 रुपये, कल रात अच्छी कमाई हुई इसलिए दे रही हूँ, फिर मत मांगना समझा। अरे मेरी बात तो सुन, ये गोली बोल रहा था तेरे से शादी करने के लिए। तू उस खड़ू से कितना रुपया लिया साला? 300। चल निकाल निकाल, पैसे ने मारूंगी निकाल साला। दे दो। साला हराम खोर। गया, मेरे पास और भी है, मेरे और भी है, ये देखो, इधर भी है, ये देखो, ये भी है।